हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कन्वर्जंस इन कॉलम वन विद द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन इन कॉलम टू। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। तो हमने फाइंड करना है जो हमारे पास कन्वर्जंस गिवन है वो कौन से प्रोसेस से होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है जो हमारे पास ए पार्ट है, लेड सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड। सो लेड सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड। सो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो लेड सल्फाइड का ओर है गेट्स कन्वर्टेड इंटू लेड ऑक्साइड। तो ये हमारे पास कैसे होता है प्रोसेस, बाय हीटिंग लेड सल्फाइड और बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। सो बेसिकली लेड सल्फाइड के ओर को इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट किया जाता है ऑक्सीजन की सप्लाई में। तो हमारे पास जो सल्फाइड का ओर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो बेसिकली जो हमारा ए पार्ट है वो किससे हो रहा है, रोस्टिंग से। तो ए की करेक्टर मैच क्या होगी हमारे पास, बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है ऑप्शन पार्ट बी, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। सो इसमें जो कार्बोनेट और है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट और गेट्स कन्वर्टेड इंटू कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैसे होता है, बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो हमारा कार्बोनेट और है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो जो हमारा कार्बोनेट और है वो कैल्सिनेट हो रहा है टू द ऑक्साइड ओर। तो जो हमारा बी पार्ट है वो किससे मैच हो रहा है, क्यों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पार्ट, जिंक सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होगा, दो प्रोसेसेस होंगे। कैसे, पहले जो जिंक सल्फाइड है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे भी जो सल्फाइड हो रहा है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने ऑप्शन ए में क्या देखा, अगर ऑक्साइड को सॉरी सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है तो कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग। उसके बाद जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन रिडक्शन के अंडर जाएगा टू गिव द जिंक मैटर। तो इसकी जो सेकंड प्रोसेस है वो कौन सी होगी, कार्बन रिडक्शन। तो इसका मतलब जो हमारा सी पार्ट है वो दो प्रोसेस के अंडर जाएगा, पी एंड आर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी की, तो उसमें क्या है, Cu2S gets converted into Cu। इसमें भी दो प्रोसेसेस के अंडर जाएगा ये। कैसे, पहले इसका सल्फाइड हो रहा है वो कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग, जब हमारा सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद जो ऑक्साइड हो रहा है वो कन्वर्ट होगा मेटल में, लेकिन ये सेल्फ रिडक्शन के थ्रू होगा।
इसमें कॉपर खुद ही रिड्यूस हो जाएगा टू इट्स मेटल। तो हमारा जो डी पार्ट है वो किस किस से मैच हो रहा है, पी एंड एस। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है? ऑप्शन ए में अगर देखें हम, तो ए पी से मैच हो रहा है, बी क्यू से, सी पी और आर एस से। यहाँ पे गलत होगी हमारी। उसके बाद अगर हम देखें तो बी तो गलत ही होगी हमारी। अब अगर हम देखें जो हमारी सी ऑप्शन है, उसमें ए पी से मैच हो रहा है, बी क्यू से, सी पी और आर से, डी पी और एस। तो ऑप्शन सी करेक्ट बनती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ।